हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, उसको हमने कैसे क्लासिफाई करा है, न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, उसकी आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितनी एनर्जी मिलती है हमको न्यूट्रिएंट्स से, काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे, उसको पूरा कवर करेंगे हम। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट द बॉडी रिक्वायर फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ओवरऑल हेल्थ मेंटेनेंस। तो न्यूट्रिएंट्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में, उसकी ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में और प्रॉपरली ओवरऑल हमारा जो हेल्थ मेंटेनेंस है उसको करने में ज़रूरी होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है। तो आपके दो पार्ट्स कैसे होंगे, हमारे हमारी जो हम खा रहे हैं खाना, उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो हमको कुछ ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है या तो कुछ हमारी बॉडी को कम चीज़ चाहिए होती है। तो जिसको ज़्यादा चाहिए होती है उसको क्या बोल दी हमने, मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब ज़्यादा, ठीक है, तो जो कि आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को। दूसरा आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब जो कि हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए। ओके, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जिसको हम लिपिड भी बोल देते हैं, और आपका वाटर। तो ये सब चीज़ें हमको किस में चाहिए होती हैं हमारे, ये आपका किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, और आपका बता दूं मैं इधर, जो वाटर है वो आपका प्रॉपर एनर्जी तो नहीं देता, लेकिन ये तब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करके रखता है। तो ये भी हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, तो अभी ये आपका वाटर जो है वो भी एक न्यूट्रिएंट का पार्ट ही होता है। ओके, इसके अलावा हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट देखो क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारा विटामिन आता है इसमें और हमारा मिनरल्स आता है। कुछ जगह पे आपको मिनरल्स के नीचे आपको ट्रेस एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं कि ट्रेस एलिमेंट्स को अलग से दे दिया, लेकिन ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके मिनरल्स के ही पार्ट होते हैं। जो आपका माइक्रो मिनरल्स होते हैं या फिर माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उसको ही हम ट्रेस एलिमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है, तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे मिनरल्स में। तो ये सब चीज़ें को आप अच्छे से एक एक करके जानेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, प्रोटीन क्या होगा, फैट क्या होगा, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं। मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो जो न्यूट्रिएंट्स आपके चाहिए होते हैं उसको पढ़ लेते हैं हम। इसमें क्या आता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट आता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाला कौन होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कितने परसेंट एनर्जी देता है आपका, 60-70% हमारी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ये पूरी करता है, ठीक। और एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है हमको, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है एक ग्राम। सोर्स की हम इसकी बात करें तो आपका ग्रेन्स हो गया, जैसे कि आपका चावल, आपका गेहूं, ब्रेड, ओट्स, फ्रूट्स में आपका आ गया एप्पल, बनाना, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स में आपका आ गया पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कॉर्न्स हो गया, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका मिल्क हो गया, दही हो गया, शुगर्स में आपका टेबल शुगर जो चीनी होती है वो हो गया, हनी हो गया, कैंडीज हो गए, केक्स हो गए। तो इन सब से क्या मिलता है हमको, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होते हैं, अच्छे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं आपके ये। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन देखिए क्या होता है, प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोला जाता है हमारे प्रोटीन्स को। ये कितना आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं हमारी, 10-15% हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं प्रोटीन्स। और एक ग्राम प्रोटीन आपका 4 किलो कैलोरी एनर्जी ये भी देता है। ओके, आपका कार्बोहाइड्रेट भी चार किलो कैलोरी देता था, और ये भी आपका कितना देता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है ये भी। सोर्स की हम इसकी बात करें तो आपका एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स, दो सोर्सेज होंगे, या तो एनिमल से या तो प्लांट से। एनिमल से हमको क्या क्या चीज़ें आपको प्रोटीन मिलेगा, इसमें आपका आएगा मीट आएगा, फिश आएगा, सी फूड आएगा, मिल्क आएगा, एग आएगा, चिकन आएगा, इन सब से आपको क्या मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है। और प्लांट्स में आपका क्या हो गया, आपकी दालें हो गई, बीन्स हो गया, जैसे कि आपका राजमा वगैरह, और आपका सोए प्रोडक्ट्स हो गए, चाप हो गया, ये सब चीज़ें, आपका ब्राउन राइस हो गए, ओट्स हो गए, नट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या देती हैं आपको, प्रोटीन देती हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे लिपिड्स पे, जिसको हम बोलते हैं फैट्स। तो लिपिड्स क्या होते हैं, ये आपका एनर्जी स्टोरेज के लिए आपका इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके सेल के स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी सेल की जो वॉल होती है उसमें भी आपका लिपिड से ही बनी होती है आपकी, वो तो वो भी आपका बहुत ज़रूरी होता है। और आपका फैट सोल्यूबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपका लिपिड्स का रिक्वायरमेंट बहुत आपकी बॉडी में होती है। ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 15-50% हमारी बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट को। ओके, और एक ग्राम लिपिड कितना देगा आपके, आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो ये ज़्यादा है, बाकी दोनों में 4-4 था, इसमें कितना है, 9 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी देता है लिपिड्स। सोर्स की इसकी बात करें तो आपका चीज़ हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, एवोकाडो हो गया, आपका एग योक हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, क्रैब हो गया, ठीक है,
नॉन वेज में बात करें तो क्रैब हो गया आपका, बीफ हो गया, पॉक हो गया, तो इन सबसे आपको क्या मिलता है, लिपिड्स मिल जाता है। ओके, लिपिड्स के ये सारे सोर्सेज होते हैं। वाटर की हम बात करें तो वाटर मैंने आपको बताया था कि आपका मेजर न्यूट्रिएंट्स नहीं होता ये, मतलब कि इससे कोई आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन ये तब भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो वाटर इज़ अ क्रूशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। ये आपका बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह आपको एनर्जी नहीं देगा, लेकिन इसका बॉडी में और भी काफ़ी सारे रोल्स होते हैं। तो क्या क्या रोल्स होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रेशन करवाएगा हमारी बॉडी में, हाइड्रेशन पानी की कमी नहीं होने देगा, ठीक है, पानी की पूर्ति करवाएगा, और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो गया, जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसी में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इसी में के थ्रू पहुँचते हैं। हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे वेस्ट को निकालता है, जैसे कि आपका यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, ठीक है, तो उसमें वेस्ट में आपका वाटर रिक्वायरमेंट आपकी होती है। इसके अलावा आपका वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट जैसे कि आपका ये डिसॉल्व कर लेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा बाकी न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, बाकी आपके जो भी सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी में, सबके सब वाटर में डिसॉल्व होकर आगे पूरी बॉडी में पास होते हैं। इसके अलावा आपका जॉइंट लुब्रिकेशन में भी काम करता है आपका वाटर, जैसे कि आपका साइनोवियल जॉइंट जो होता है, ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट्स भी आप उसमें आपका मेजरली किससे बने, आपका साइनोवियल जॉइंट में आपका वाटर पाया जाता है। तो वाटर के देखिए कितने सारे रोल्स होते हैं, तभी इसको क्या बोला गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इसको हमने रखा है वाटर को। फिर नेक्स्ट आप हम पढ़ते हैं, हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे सारे कवर कर लिए, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब जो कि कम अमाउंट में चाहिए होंगे, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम देख लेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा विटामिन्स। विटामिन्स आपके देखिए ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपका ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए। तो विटामिन आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। तो विटामिन्स को हमने उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, घुलने के बेसिस पे, कि कैसे वो डिसॉल्व हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने विटामिन्स को दो कैटेगरीज में बांट रखा है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज होंगी हमारी, पहला होगा हमारा वाटर सॉल्युबल, वाटर मतलब जो पानी में घुल जाए, और दूसरा कौन सा होगा हमारा फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो वाटर में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होंगे हमारे, विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इनके अलग अलग नाम होते हैं जो कि आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको विटामिन तो बाद में पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर हम करके आपको कवर करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, ओके। फिर इसके बाद आपका आ गया फैट सोल्युबल विटामिन। तो फैट सोल्युबल विटामिन का क्या क्या चीज़ें आती हैं, विटामिन ए आता है, ए डी ई के, तो ये चार के कौन से कौन कौन से होते हैं आपके, ये फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, ओके। तो आपके विटामिन ये होते हैं, और इसका सोर्स क्या होगा, विटामिन के सोर्स की हम बात करें तो विटामिन आपको कौन से विटामिन का क्या सोर्स होगा, तो ये देखिए अब सबसे पहले हम देखेंगे वाटर सोल्युबल विटामिन। तो वाटर सोल्युबल विटामिन का कौन कौन से सोर्स होंगे आपके, जैसे कि विटामिन सी हो गया, तो सी कहाँ से मिलेगा आपको, सिट्रस फ्रूट से, सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसके अलावा आपका स्ट्रॉबेरी से मिल जाएगा विटामिन सी, ब्रोकली में होता है विटामिन सी, ठीक। आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले जो विटामिन होते हैं वो किसमें आपको मिलेगा, होल ग्रेन्स हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, उन सबसे आपको क्या मिलेगा, विटामिन बी मिलता है। और फैट सोल्युबल विटामिन की हम बात करें तो इसमें आपका विटामिन ए जो है वो कहाँ से मिलेगा आपको, गाजर हो गई, स्वीट पोटैटो हो गया, स्पिनच हो गया, केल हो गया, लीवर से भी आपको मिल जाता है, ठीक है। नॉनवेज अगर कोई ले रहा है तो उसके लीवर में विटामिन ए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका विटामिन डी हो गया, तो विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा, आपके सन से मिल जाता है, सबसे फ्री का विटामिन है सन एक्सपोजर, ठीक है, तो सन से मिल जाएगा आपका। और आपका फैटी फिश हो गया, जैसे कि आपकी जो फैट जिसमें फैट ज़्यादा होता है, तो सालमन और मैकरेले आपकी जो फिश होती हैं उनमें आपको आपका ये विटामिन डी देखने को मिलता है ज़्यादा। इसके अलावा आपका फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। विटामिन ई आपका कहाँ से मिलेगा आपको, नट्स हो गया आपका, जैसे कि आपका आमंड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इसके अलावा आपका वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए, आपके स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गई, इन सबसे आपको क्या मिलेगा, विटामिन ई मिलता है। और आपका जो विटामिन के होता है वो आपका मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, जैसे कि आपका केल हो गया, स्पिनच हो गया और आपका ब्रोकली हो गया। तो ये हो गया हमारे विटामिन्स। अब विटामिन्स के बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, जो कि है हमारा मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स देखिए क्या होते हैं, मिनरल्स आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, दैट प्लेज एसेंशियल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन विद इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये भी काफ़ी सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, और मिनरल्स भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ बॉडी नीड्स इट इज़ क्लासिफाइड इन टू मेन कैटेगरीज। तो बॉडी की नीड्स के बेसिस पे हमने इसको दो मेन कैटेगरीज में पार्ट रखा है। पहला है मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो या फिर मेजर मिनरल्स, और दूसरा कौन सा है हमारा,
माइक्रो मिनरल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स ही बोलते हैं या फिर ट्रेस मिनरल्स ही बोलते हैं। तो मैक्रो मिनरल्स में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका कैल्शियम आता है, फॉस्फोरस आता है, मैग्नीशियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, क्लोराइड आता है और आपका सल्फर आता है। और माइक्रो मिनरल्स में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका आयरन आता है, जिंक आता है, कॉपर आता है, आयोडीन आता है, सेलिनियम आता है, मैग्नीज आता है, फ्लोराइड आता है, क्रोमियम आता है और आपका मॉलिब्डेनियम आता है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं हमारे मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैंने जितने डिटेल में बता सकता था आपको बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स जो हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको अच्छे से करके कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।